टेक चार्जर्स एक बार फिर से भारत सरकार नए डिजिटल लॉ पर काम कर रही है। उसके अलावा Redmi A1, Redmi Prime 11, 4G, 5G दोनों फोन लॉन्च हो गए, Realme C33 भी लॉन्च हो चुका है और भी बहुत सारे अपडेट आ गए हैं आज के एपिसोड के लिए। तो बस मेरे साथ लास्ट देखिए हर दिन की तरह वीडियो, मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। पता ही है कि मैं एपिसोड की शुरुआत करूंगा नए लॉन्च से। Redmi ने बिल्कुल एंट्री लेवल फोन 6499 रुपए में A1 आज लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि MediaTek Helio A22 प्रोसेसर मिल रहा है, लेकिन 5000 mAh की बैटरी के साथ में फोन काफी पावरफुल बन जाता है। प्राइस सेगमेंट के अंदर एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। वाटर ड्रॉप नोच 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिल रहा है और इसमें कमाल की बात यह है कि मेमोरी को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। अगले दो फोन भी Redmi के ही हैं, लेकिन सेपरेट खबर की तरह बताने में मजा आ रहा है, क्योंकि ये दो फोन 4G और 5G वेरिएंट है Redmi Prime 11 सीरीज के। इन दोनों फोन में प्रोसेसर भी अलग है और कमाल की बात कैमरा मॉड्यूल भी अलग ही मिल रहा है। सबसे पहले अगर 4G की बात करें तो इसमें ट्रिपल रियर कैमरा मिल रहा है 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ और इसमें MediaTek का Helio G99 प्रोसेसर कंपनी ने दिया है। मैसिव बैटरी आपको इसमें भी मिल जाएगी, 4GB का रैम है और 64GB 128GB इंटरनल स्टोरेज में फोन परचेज कर सकते हैं। प्राइस की शुरुआत 11,000 रुपए से हो रही है, जबकि अगर 5G फोन आप परचेज करना चाहते हैं इसी सीरीज का तो आपको मिलेगा ड्यूल रियर कैमरा 50 मेगापिक्सल के प्राइमरी सेंसर के साथ में, वाटर ड्रॉप मोच मिल रही है, मैसिव बैटरी भी है और इसमें यूज किया है Dimensity 700 चिपसेट जो कि 7nm आर्किटेक्चर डिजाइन पर बेस्ड है। प्राइस इसके हैं 13,999 रुपए। Redmi की एंट्री लेवल और एफोर्डेबल रेंज के बाद Realme ने भी C33 अपना एंट्री लेवल फोन उतार दिया है इंडिया मार्केट में। सिर्फ 8,999 रुपए से शुरुआत हो रही है, 3GB 4GB रैम वेरिएंट आपको मिलेगा, दूसरा वेरिएंट 9,999 रुपए का है। आपको बता दूं इसमें यूनिसॉक का चिपसेट कंपनी ने यूज किया है, ड्यूल रियर कैमरा 50 मेगापिक्सल सेंसर के साथ, 5000 mAh की मैसिव बैटरी। फ्लिपकार्ट पर आप इसे परचेज कर सकेंगे। ज्यादातर ऑनलाइन बिल पेमेंट करते वक्त आपने देखा होगा कि बिल डेस्क का एक ट्रांजेक्शन पेज आपको मिलता है, इसी बिल डेस्क को अब 100% एक्वायर करने वाली है PayU। अब तक इसमें रोड़ा अटका हुआ था कि CCI से इसे अप्रूवल मिलेगा या नहीं, लेकिन आज पूरी तरीके से हरी झंडी इसको दे दी है, यानी कि $4.7 बिलियन की ये डील होने वाली है। जल्द ही पूरा पेपर वर्क हो जाएगा और बिल डेस्क जो है वो PayU के अंदर काम करना शुरू कर देगी। न्यूज वेबसाइट्स हो या फिर ऑनलाइन न्यूज पोर्टल, ढेर सारे सोशल प्लेटफॉर्म्स, सब कुछ तो नए IT लॉ के अंतर्गत आ ही गया है, लेकिन सरकार को अभी भी इसमें खुशी नहीं मिल रही है। जल्द ही आने वाला है नया डिजिटल इंडियन लॉ, जिसमें पूरी तरीके से ऑनलाइन दुनिया को, पूरे ऑनलाइन वर्ल्ड को उसमें समेटा जा सकेगा। चाहे आपका इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप हो, सोशल प्लेटफॉर्म हो, वेबसाइट हो, ईमेल हो, कुछ भी, सब कुछ इसके अंदर आ सकेगा। जल्दी ही इसको पार्लियामेंट के डेस्क पर लाया जा सकता है। फिलहाल तो ये र्यूमर भी हो सकता है और हकीकत भी, और देखते हैं दोस्तों कब तक इसके बारे में कुछ ठोस निकल के आता है। उन ऑनलाइन गेमर्स के लिए मजेदार अपडेट आ रहा है जो गरीना फ्री फायर के शौकीन है। कुछ रिडीम कोड्स इस समय ऑनलाइन हो रहे हैं वायरल, जिनका यूज किया जा सकता है एक डेडिकेटेड पेज पर जाकर, जहां से कि आपको कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं इन गेम, जिसमें कि स्किन हो सकती है, वेपन्स है, बहुत सारी आपको कमाल की चीजें इसमें मिल सकती हैं। कुछ कोड मैं एक दो यहां पर भी डाल रहा हूं स्क्रीन पे, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वेबसाइट लिंक भी मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इन कोड को रिडीम करने के लिए। ज्यादातर एंट्री लेवल, अफोर्डेबल और बजट रेंज के फोन इंडिया में लॉन्च हो रहे हैं और चाइनीज कंपनियां इस सेगमेंट को छोड़ना नहीं चाहती हैं। अगर हम रेडमी और रियलमी के अलावा किसी कंपनी की बात करें तो तीसरा नाम शायद वीवो का ही होगा। वीवो का एक नया पोस्टर आया है जिसमें Y22 को दर्शाया गया है। ये फोन जल्द ही इंडिया में लॉन्च हो सकता है। इस पोस्टर में एक चीज और भी कमाल की है कि इसमें 1000 रुपए का कैशबैक ऑफर भी शो किया गया है, यानी कि लॉन्च होते ही फोन पर 1000 रुपए का आपको कैशबैक ऑफर भी मिलने वाला है। अब देखते हैं फोन कब तक इंडिया में कंपनी लेके आती है। दुनिया भर की मार्केट के लिए रियलमी अपना गेमिंग फोन GT Neo 3T ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है। प्राइस की अगर बात करें तो ग्लोबल वेरिएंट के प्राइस तकरीबन 36,000 रुपए के आसपास है, लेकिन अब इंडिया में भी इसका पेज हो गया है लाइव वेबसाइट पर, लेकिन डेट अभी भी अनाउंस कंपनी ने नहीं की है। 80 वॉट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में इस गेमिंग फोन का इंतजार रहेगा। जल्दी मुझे लगता है डेट भी इसकी आ सकती है और शायद इसी महीने के सेकेंड वीक में कोई डेट ऐसा हो जाए कि मंडे ट्यूजडे में फोन
लॉन्च होगा। और लास्ट अपडेट आपको बताते हैं, अगर आपके पास है आईफोन 7 सीरीज का कोई भी वेरिएंट, तो दोस्तों ये खबर आपके काम की है, क्योंकि अब एप्पल आपके फोन पर किसी भी तरह का iOS का बड़ा अपडेट रिलीज नहीं करेगा, यानी कि अब आपको फोन पे सिर्फ मिल सकेंगे सिक्योरिटी और अगर कोई बग है तो उसके फिक्सेस, यानी कि अपडेट तो मिलेंगे लेकिन iOS से रिलेटेड कोई भी अपडेट अब आपको नहीं मिलेगा। और जल्दी ही हो सकता है कि आईफोन 7 को लेकर दूसरे ब्रांड्स भी अपनी एप्लीकेशंस को के बारे में बता दें कि वो काम नहीं करेंगे, तो अगर आप चाहें फोन स्विच कर सकते हैं अगले अपग्रेडेड वर्जन में। बाकी दोस्तों ये थे आज के अपडेट, कैसे लगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी हाँ, अगर अब तक आपने चैनल पर हमारे गिव अवे को नहीं देखा है तो लिंक पर जाइए, वीडियो चेक कीजिए और Redmi Note 11 Pro Plus 5G और 5 पल्स स्मार्ट वॉचेस जीतने का मौका आप हासिल कर सकते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। हिंदुस्तान जिंदाबाद।